तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगी है, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, बंजारा पुड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ जगू। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 5 से 6 उबले हुए आलू लिया है और इसके ऊपर का छिलका जो है निकाल कर ले लिया है मैंने। अब हम इस बाउल में डाल देंगे सारे पोटैटो को। इस तरीके से पोटैटो मैशर से मैश करके ले लेंगे सारे पोटैटो को, आप देख सकते हैं। सारे पोटैटो को मैंने मैश करके ले लिया है। अब हम इस पोटैटो को थोड़ा सा हाथों की मदद से मैश करके ले लेंगे ताकि गुठलियाँ ना रहें पोटैटो में। पोटैटो जो है मैंने अच्छे से मैश करके ले लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 3-4 हरी मिर्च कटे हुए, 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज, एकदम बारीक काट ले प्याज को। अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, 2 चम्मच के करीब ब्रेड क्रम्ब। अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, हाथों की मदद से मिला कर ले लेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे सारे मसालों को। ये पोटैटो लॉलीपॉप ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम छोटे छोटे बॉल्स की तरह बना लेंगे, थोड़ा सा मिश्रण हाथों में ले और बॉल्स की तरह इस तरह से बना करके ले लेंगे। ये देखिए एक बॉल्स जो है बनकर तैयार है। अब हम सारे बॉल्स को इसी तरह से बना करके ले लेंगे। अब हम दूसरा बॉल्स बनाना शुरू करेंगे, थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेंगे और एकदम गोल आकार में बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए बनके तैयार है। अब हम सारे बॉल्स को इसी तरह से बना करके ले लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स जो है बना करके ले लिया है, आप देख सकते हैं सारे बॉल्स जो है बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे। ये देखिए इस तरह से, ज्यादा थिक नहीं करना है पानी को, एकदम मीडियम ही रखना है। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, एकदम थोड़ा सा, 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मिला दे। और ये ब्रेड क्रम है, मैंने घर में ही बनाया है, आप चाहे तो बाहर से भी ला सकते हैं ब्रेड क्रम। यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है मैंने और उसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम और सारे ब्रेड क्रम को डाल देंगे प्लेट में और थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। हमने जो मिक्सचर बना के ले लिया है कॉर्नफ्लावर का, उसमें डिप करके ले लेंगे पोटैटो बॉल्स को और उसके बाद ब्रेड क्रम में ऐसे ऊपर से डिप करके ले लेंगे सारे, ऐसे लगा ले। ये देखिए इस तरह से सारे बॉल्स को ब्रेड क्रम से ऐसे डिप करके ले लेंगे। एक बॉल्स जो है बनकर तैयार है, इसी तरह से सारे बॉल्स को बना करके ले लेंगे। एक बॉल जो है बनकर तैयार है, अब हम दूसरा बॉल भी बना करके ले लेंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम में डिप करके ले लेंगे और उसके बाद कॉर्नफ्लावर के और इसी तरह से सारे बॉल जो है बना करके ले लेंगे हम। आप देख सकते हैं सारे बॉल्स जो है मैंने डिप करके ले लिया है, एकदम तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा मैंने और कढ़ाई में 1 लीटर के करीब तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद थोड़ा सा मिश्रण तेल में डाल के देखेंगे पफ होने लगा है, उसके बाद ही हम बॉल्स जो है डालना शुरू करेंगे। एक बॉल्स जो है मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इन बॉल्स को डीप फ्राई करके ले लेंगे, आप चाहे तो सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, एक साइड से पलट कर ले लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पे। एक साइड से बॉल्स जो है पककर तैयार है, अब हम दूसरी साइड से भी बॉल्स को पका लेंगे। बॉल्स को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पे ताकि बॉल्स जो है थोड़ा सा क्रिस्पी बने, इसलिए हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे यहाँ पे।
एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा के ले लिया है मैंने, उसके ऊपर निकाल लेंगे हम और बचे हुए बॉल्स को भी इसी तरह से ऐसे डीप फ्राई करके ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से डाल दें, सावधानी से डालें तेल में, थोड़ी सी दूरी बना के रखें, आपके ऊपर छींटे आ सकती हैं इसलिए हम सावधानी से डालें। एक साइड से बॉल्स जो है पक चुके हैं, अब हम दूसरी साइड से पलटकर पका लेंगे बॉल्स को। ये देखिए पोटैटो लॉलीपॉप जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन पोटैटो लॉलीपॉप्स को निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे पोटैटो लॉलीपॉप्स को। अब हम फिर से थर्ड बैच जो है डाल देंगे कढ़ाई में, आप देख सकते हैं। अब हम बचे हुए बॉल्स को भी इसी तरह से फ्राई करके ले लेंगे। पोटैटो लॉलीपॉप खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। निकाल लेंगे सारे बॉल्स को टिश्यू पेपर पे और पोटैटो लॉलीपॉप जो है बनकर तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और पोटैटो लॉलीपॉप्स को अब हम सर्व करके ले लेंगे। इस तरह से स्टिक लगा दूंगी मैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बनकर तैयार है सारे पोटैटो लॉलीपॉप्स। अब हम सारे लॉलीपॉप्स के ऊपर ये स्टिक लगा दूंगी मैं, आप देख सकते हैं। और इस लॉलीपॉप्स को टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, आप चाहे तो पिज्जा सॉस के साथ भी खा सकते हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे।